दोस्तों नमस्ते। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि समान काम समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अब अगली सुनवाई 5 सितंबर 2018 को होने वाली है। ऐसे में बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को अब 5 सितंबर का इंतजार करना होगा। हालांकि ये न्यूज़ आज का है कि 5 सितंबर को सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे सभी शिक्षक। शिक्षक दिवस पर 5 सितंबर को राज्य के सभी कोटि के शिक्षक नियोजित शिक्षकों के शोषण, केंद्र व राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदारनाथ पांडे एवं महासचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा, शिक्षक दिवस पर एक तरफ जहां केंद्र व राज्य सरकार शिक्षकों को राष्ट्रीय व राज्य सम्मान से नवाजेगी, तो दूसरी ओर उसी दिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के विरोध में खड़ी रहेगी। इससे बड़ा दुर्भाग्य शिक्षकों के लिए और क्या होगा। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के नियोजित शिक्षकों को समान काज के लिए समान वेतन देने संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय देकर पूरे शिक्षक समाज को सम्मानित किया था, मगर सरकार शिक्षकों के इस समान व अधिकार को छीनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लगातार बेबुनियाद और गलत आंकड़े पेश कर रही है। आप सबको जानकारी है कि अगली सुनवाई 5 सितंबर 2018 को होने जानकारी होगा कि 5 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखे जाना है। ऐसे में यदि बिहार के नियोजित शिक्षकों को केंद्र सरकार के द्वारा जो पक्ष रखे जाएंगे उसके बाद किसी भी तरह की आपत्ति है तो वे भी अपना पक्ष रख सकते हैं। जी हाँ, वे भी अपना पक्ष रख सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 5 या 6 सितंबर को फाइनल फैसला आ जाएगा। अब देखना यह है कि 5 सितंबर या 6 सितंबर को क्या होता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर राज्य के सभी कोटि के शिक्षक नियोजित शिक्षकों के शोषण के विरोध में, केंद्र व राज्य सरकार के दमनकारी नीतियों के विरोध में काला बिल्ला लगाकर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करेंगे। तो इस अपडेट में बस इतना ही।